अकोला के समीप वाड़े गांव में अधेड़ उम्र का 50 वर्षीय संजू खंडू मानकर इस व्यक्ति ने हिजाब को लेकर एक अभद्र टिप्पणी महिला जो मुस्लिम महिला थी उसके ऊपर की, और जिसके बाद में वाड़े गांव का जो है माहौल ख़राब हुआ, और वहां के माहौल ख़राब होने के बाद में वो वहां पे थानेदार के पास समीप हुए और उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद वहाँ के जो है थानेदार ने वहाँ पे तत्काल इस पर 10 मिनट में कार्रवाई की और उस व्यक्ति को पकड़कर वहाँ पे जेल पहुँचाया, जिसकी पूरी जानकारी जो है हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। हमारे रिपोर्टर साबिर हुसैन वाड़े गांव से ये डायरेक्ट न्यूज़ सबसे पहले हम आपको पहुँचा रहे हैं। देखिए, शेयर कीजिए। अभी वाड़े गांव का माहौल जो है ठंडा है और शांति बनी हुई है वहाँ पे, देखिए और लोगों तक शेयर कीजिए। सर, ये क्या मैटर है, ये आपने कंप्लीट नहीं लिया है आपने बुलेटिन की? लेडीज का मैटर है जी, हमने यहाँ और इनके यहाँ कंप्लीट नहीं ली गई है, इसलिए सब ये बालापुर गए हुए रिपोर्ट देने के लिए। क्या है क्या मैटर है ये? यहाँ पर अपने दो बच्चे स्टैंड पे कल भी गए थे, तो कल उसको ये सुना गया नकाब पहन के आएंगे तो इधर आओ मत। कहाँ पर? ये अपने गुजरी के कल की बात है, गुजरी में बोला गया वही शख्स ने। कौन सी स्कूल, उसका नाम क्या है? ग्राम पंचायत जूनी ग्राम पंचायत के सामने। अच्छा, ऐसा वो बच्चे को बोले, बच्चे ने चलो नजरअंदाज करके चलो आप का मैटर है चलो समझ जाएगा। फिर दूसरे बारी में ये हुआ कि आज बच्चे दो बच्चे गए अपने बस स्टैंड पे। अच्छा, भाजी पाला खरीदने कुछ समझिए खरीदने को जी, इसमें इन्होंने बोले कि भाई आकर कल से तुम नकाब पहन के आएंगे। हाँ, तो तुमको नंगे करके मारा जाएगा। ये देखिए, कर्नाटक से उड़ के आ गए यहाँ पर महाराष्ट्र के अकोला जिला के बाड़े गांव में। नहीं, हमारे गांव में इतना शांत प्रिय गांव और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब भाई सब यहाँ मिलकर रहते हैं। जी बोलिए। हमारा गाँव इतना शांत प्रिय गाँव था, ये लोग ये कैसे निकल गया इसके कैसे मालूम? तो ये जिसने ये मना किया है तो वो उसका नाम मालूम है आपको? नाम मालूम नहीं, नाम मालूम रहता तो मानकर करके संदीप मानकर है ये भाई बोल रहे हैं, संजू मानकर करके है। तो आपके सामने की घटना है? नहीं, हमारे सामने की नहीं, हमारे सामने की घटना नहीं, हम ये छुड़ाते छुड़ाते जा रहे हैं, बच्चों कंट्रोल करते हुए जा रहा हमारा। बच्ची का कहाँ है? बाड़े गाँव की रहने वाली सूटिया जी जी। तो वो स्कूल जा रही थी क्या? नहीं, स्कूल में वो सब्जी मंडी में गई थी, सब्जी मंडी खरीद के वापस आ रही थी, बोले आज के बाद दिखेंगे, बोले शासन से हमारी विनती है कि पूरे शो करें। इमरान जी क्या बोलना चाहेंगे? इमरान साहब, आम्ही तो हे म्हणणार की जे वाडेगावमध्ये जे वातावरण आहे असंच राहू द्या, पण जे यांनी दुष्परिणाम झालेले आहे सध्या पुढे मुलं उभे आहे इथं, यांच्यामुळे मी हे पुरे जितके मुस्लिम समाज आहे हे तकलीफमध्ये आलेले आहे, तो आमची विनती आहे प्रशासन याच्यावर सत। आपने अभी तक मुझे देखा नाही, आज मैं नहीं है, ठीक है, सो नहीं, 1001% कारवाई होगी, 1001% कारवाई होगी, कारवाई नहीं हुई तो कार्रवाई अगर नहीं हुई तो मूछ निकालूंगा मैं। के अंदर आप यहाँ से सब चले। हाँ, ये सब मैं बोलता था, चाहिए